भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, भारत के जितने भी बंदरगाह हैं। आज के सेशन में भारत के प्रमुख बंदरगाहों का हम लोग एक बार मानचित्रण करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी मानचित्रण के अंतर्गत मैं आप सभी का भारत के सभी बंदरगाह आपको याद करवा दूंगा आज के सेशन में। और बंदरगाह क्यों जरूरी होते हैं किसी भी देश के लिए, क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैच द फॉलोइंग बंदरगाह आपसे पूछे जाते हैं। देखिए 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है। और हमारे संविधान की संघ सूची के अंतर्गत, हमारी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके संघ सूची के अंतर्गत बंदरगाह आते हैं। आपके जो प्रमुख बंदरगाह हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में आपके होते हैं। और इसके लिए दो अधिनियम आपके हैं, एक अधिनियम है भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 और दूसरा अधिनियम है बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963। दो बंदरगाह हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 है उसके तहत जो है, जो आपके छोटे बंदरगाह होते हैं उन बंदरगाहों को उसके तहत जो है रेगुलेट किया जाता है, जो राज्य सरकार के केंद्र सरकार के बंदरगाह। कई सारे देखो, टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में और 13 प्रमुख बंदरगाह के साथ अभी मानचित्रण में हम देखेंगे सारी की सभी की लिस्ट देखेंगे, कहां पे कौन सा बंदरगाह अवस्थित है इसको भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और 200 से ज्यादा प्रमुख आपके छोटे बंदरगाह हैं, मतलब कि 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 से ज्यादा आपके जो है छोटे बंदरगाह हैं। तो भारत में बंदरगाहों को दो अधिनियम आपके पारित किए गए हैं संसद के द्वारा, एक भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908, ठीक है, और दूसरा अधिनियम है आपका प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम। एक ट्रस्ट अधिनियम 1963 बनाया गया, तो ट्रस्ट अधिनियम के तहत से जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, केंद्र सरकार का स्वामित्व और प्रबंधन होता है उनमें, ठीक है। अभी निजी क्षेत्र के भी बंदरगाह आपके हो चुके हैं, निजी क्षेत्र में भी बंदरगाह आपके एस्टेब्लिश हो रहे हैं, नए बंदरगाह भी बनाए जा रहे हैं। तो बंदरगाह को लेकर के अब आप लोग डिटेल से देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात यह समझिए, भारत की जो तट रेखा है, हमारे यहां पर एक अच्छा खासा समुद्री तट है, ठीक है, 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और लगभग आप देखिए यहां पे जो है 14500 किलोमीटर का संभावित नौकागम्य जलमार्ग क्षेत्र है और इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बूस्ट होता है। यानी कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय आकृति है जिसको अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीन तरफ से पूरा का पूरा जो प्रायद्वीप है घिरा है, यहां पर ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, यहां पर बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं और बहुत सारे कृत्रिम बंदरगाह हैं, मानव निर्मित बंदरगाह हैं। क्योंकि देखिए जब बंदरगाह हमारे यहां पे बहुत अच्छे होंगे, और इसके लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना भी प्रारंभ कर रखी है बंदरगाहों के आधुनिकीकरण को लेकर, तो भारत में यदि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, निर्यात को बढ़ाना है, तो उसके लिए सी रूट सबसे इंपॉर्टेंट रूट है और इसके लिए बाहरी व्यापार में उच्च वृद्धि के लिए बंदरगाह ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसीलिए वर्तमान में जो भारत सरकार है, वर्तमान सरकार का मूल उद्देश्य है कि भारत में अवसंरचना निर्माण हो। इसके लिए आपको पता है पीएम गतिशक्ति योजना जो आपकी बजट में आई थी, पीएम गतिशक्ति के तहत भी जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, बंदरगाह निर्माण पे काम करना है और सागरमाला परियोजना आप सभी जानते हैं। अभी जो है बंदरगाहों के निर्माण के लिए 100% FDI की भी अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है, निजी क्षेत्र के बंदरगाह भी एस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं और निगमित किया जा रहा है, कारपोरेट स्टाइल पर भी बंदरगाहों को सृजित किया जा रहा है, ठीक है। तो बंदरगाहों के लिए दो कानूनी प्रावधान मैंने बताए आपको, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908, आप लोग थोड़ा सा लिखते भी जाइएगा, थोड़ा सा देखिए क्या है ना आपकी समझ विकसित होगी इससे। एक आपका बनाया गया है भारतीय, और ये सब चीजें क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी तो बहुत डिटेल में पूछता है, पीसीएस वगैरह में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएंगे तो वो आप कर पाएंगे आसानी से, इतना मैं योग्य आपको बना दूंगा, ठीक है। अधिनियम 1908 एक आपका यह है, ये छोटे बंदरगाह जो आपके हैं 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं उनको इसके तहत रेगुलेट किया जाता है। और दूसरा है आपका बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, ठीक है, ये आपका 1963 का है, ये है आपका प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम। इसके तहत 13 प्रमुख बंदरगाह हैं अभी, अभी कुछ नए और प्रमुख बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, निर्माणाधीन है महाराष्ट्र वाले रीजन पे, बाकी 200 से अधिक जो आपके छोटे बंदरगाह हैं वो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत रेगुलेट होते हैं और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 आपका जो है
ये आपको क्लियर रहना है, ठीक है, स्पष्ट है सभी को। अब चलिए आगे चलते हैं, साथ साथ लिखते जरूर जाइएगा। अब यहां पे मैं मानचित्रण में एक बार जो है भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उन सभी प्रमुख बंदरगाहों को यहां पे दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस सारे के सारे प्रमुख बंदरगाहों को देख लीजिएगा। देखिए जो प्रमुख बंदरगाह हैं टोटल संख्या में 13 हैं, लेकिन उनके सहायता करने के लिए कुछ सहायक बंदरगाह भी हैं, ठीक है, सहायक बंदरगाह भी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। एक सागरमाला कार्यक्रम आप सभी को पता है, 2000 वैसे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय पे सागरमाला परियोजना को जो है एक सोचा गया था, लेकिन 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा, वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्वरूप दिया गया। तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, नए बंदरगाहों का विकास करना, पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, बंदरगाह से जुड़ा हुआ वहां पे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, औद्योगीकरण करना, तटीय सामुदायिक विकास करना, तटीय नौवहन और अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन को भी बेहतर करना, ये कई सारी चीजें जो है एस्टेब्लिशमेंट करने की सोच है सरकार की। अभी जो है सागरमाला, मतलब सागरमाला के तहत एक तरीके से ये मान के चलिए कि बंदरगाहों का उन्नयन करना है ना, उनका आधुनिकीकरण करना है, और उसके लिए हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है और कई सारी सब्सिडी योजनाएं भी उसके लिए प्रारंभ की गई है। अब यहां पे एक बार हम लिस्ट देखेंगे सभी प्रमुख बंदरगाहों को लेकर के, यहां पे हम लिस्ट देखने जा रहे हैं। यहां पे एक पूरी सूची है आपकी, और पूर्वी तटीय जो आपका मैदान क्षेत्र है यहां पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान पे बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो एक बार सारे के सारे लिस्ट देख लीजिएगा, फिर बंदरगाहों से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट आपके सेगमेंट है उनको डिस्कस करूंगा, और एक सेशन आपका नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो एक सेशन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक बंदरगाह की बात करते हैं। सबसे पहला बंदरगाह है ये आपका नदी बंदरगाह है, मतलब भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, हुगली नदी के पास है आपका, ये है हमारा कलकत्ता पोर्ट, ठीक है, कलकत्ता पोर्ट है। इसका सब्सिडरी यहीं पर एक पोर्ट बनाया गया हल्दिया, इसके सहायक सहायता के लिए। तो हल्दिया प्रमुख बंदरगाहों में नहीं आता है, हल्दिया यहीं पर है आपका, इसका सहायक पोर्ट के तौर पे है। कलकत्ता पोर्ट बहुत ही जो है आपका एक तो भारत का प्रमुख पोर्ट में से आए, ठीक है। मैं 13 पोर्ट बताऊंगा, पहले आपका कलकत्ता पोर्ट है, पहला है कलकत्ता पोर्ट, ठीक है, पहला पोर्ट कौन सा है, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह। आप लिस्ट बनाते जाइएगा, मैं तो कहता हूं यदि आपके पास एटलस है तो और अच्छी बात है, एटलस में भी आप कर सकते हैं। ये आपका कलकत्ता पश्चिम बंगाल में पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा है पारादीप पोर्ट, पारादीप आपका उड़ीसा में है, दूसरा है आपका पारादीप, पारादीप कहां है, उड़ीसा में, दूसरा है पारादीप उड़ीसा में। इसके बाद है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये आपका नेचुरल है आपका, है ना, विशाखापट्टनम आपका इसके बाद है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद देखिए यहां पर आपके तीन बंदरगाह हैं तमिलनाडु में, तीन प्रमुख बंदरगाह हैं। देखो वैसे विशाखापट्टनम की सहायता के लिए यहां पे दो बंदरगाह हैं, एक तो आपका काकीनाडा है और दूसरा आपका मछलीपट्टनम है, यहीं पे जस्ट इसी के बगल में काकीनाडा है यहां पे और यहां पे मछलीपट्टनम है, लेकिन ये प्रमुख बंदरगाह में नहीं आते। प्रमुख बंदरगाह में पहला कलकत्ता बंदरगाह है, दूसरा आपका पारादीप है, तीसरा आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है। अब यहां पे देखो तमिलनाडु में तीन प्रमुख बंदरगाह हैं, पहला है एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, वैसे तो ये चौथा नंबर है ना, तमिलनाडु में पहला एन्नौर पोर्ट है, एन्नौर के बाद ये है आपका चेन्नई पोर्ट, ठीक है, और चेन्नई पोर्ट के बाद यहां पे है तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट छठवें नंबर पे है, तूतीकोरिन पोर्ट। तो टोटल आप देखिए 6 पोर्ट आपके पूर्वी घाट में, ऊपर कलकत्ता है, फिर पारादीप है, विशाखापट्टनम है, एन्नौर है, एन्नौर के बाद चेन्नई है, चेन्नई के बाद तूतीकोरिन पोर्ट है। लिखते जा रहे हैं आप लोग, ये लिस्ट बनाते जा सकते हैं, आप प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए ना, एक तरफ कलकत्ता लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल लिख लीजिए, पारादीप उड़ीसा लिख लीजिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश लिख लीजिए, एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु लिख लीजिए, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु लिख लीजिए, और तूतीकोरिन पोर्ट आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे केरला आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं पश्चिमी घाट में, ठीक है, मालाबार कन्नड़ और ये जो कोंकण तट है इस पूरे तटों में देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए ये है कोच्ची पोर्ट, कोची पोर्ट, कोची पोर्ट की सहायता के लिए एक अलग पोर्ट है यहाँ पे अलपुझा, अलपुझा मतलब एलेप्पी वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे एक सहायक पोर्ट है, लेकिन प्रमुख पोर्ट आपका यही है, सातवें नंबर पे है कोची पोर्ट, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक का जो प्रमुख पोर्ट है ये है आपका मंगलुरु पोर्ट, न्यू मंगलुरु, मंगलुरु के नाम से मंगलुरु पोर्ट, यहाँ पे कर्नाटका में मंगलुरु पोर्ट है। इसके बाद है आपका गोवा में, गोवा में है मुर्मू गोवा, ठीक है,
मुर्मू गोवा पोर्ट, गोवा का है मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा पोर्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो पोर्ट है हमारे यहाँ पे, टोटल पोर्ट की बात करें छोटे बड़े सब मिला के, वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भारत का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है आपका, और वो है आपका न्यावा सेवा और मुंबई पोर्ट। वैसे मुंबई सबसे ज्यादा व्यस्ततम है, और उसके सपोर्ट के लिए बाद में इसको भी बनाया गया नेवा सेवा को, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को। तो इसके बाद है आपका यहां पर देखिए, इसका नाम है, हम शॉर्टकट में इसको जेएनपी भी लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, और दूसरा नाम जो इसका बड़ा फेमस है नेवा सोवा, नेवा सोवा, ठीक है। ये आपका मुंबई में है, और जस्ट ऊपर इसके बाद ऊपर है मुंबई पोर्ट, सबसे व्यस्ततम पोर्ट यदि कोई है महाराष्ट्र में तो वो आपका मुंबई पोर्ट है, ठीक है। सबसे व्यस्ततम पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट, ठीक। अब इसके बाद ऊपर चले जाते हैं गुजरात में, गुजरात में एक पोर्ट है, तो गुजरात में कई सारे पोर्ट, गुजरात में आपका बेराबल पोर्ट है, पुलवंदर पोर्ट है, ओखा पोर्ट है, छोटे छोटे पोर्ट बहुत हैं, लेकिन प्रमुख पोर्ट में से है आपका कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पड़ता है प्रमुख, कांडला, कांडला गुजरात में भारत का सबसे प्राचीनतम पोर्ट पहले हुआ करता था लोथल में, है ना, लोखद सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल में डकयार्ड, तो भगत राव वाली यहां पे इस जगह पे लोथल आपका था। तो ये आप देखिए, एक तो कांडला पोर्ट हो गया, दूसरा ये आपका मुंबई पोर्ट हो गया, यहां पे अब इनकी थोड़ा सा नंबरिंग देख लेते हैं, 7 नंबर कोची पोर्ट, 8 नंबर मंगलुरु पोर्ट, 9 नंबर मुर्मू गोवा, 10 नंबर जेएनपी हो गया आपका, ठीक है, 10 नंबर जेएनपी, 11 नंबर आपका मुंबई पोर्ट हो गया, 12 नंबर कांडला हो गया। अब मैंने आपको टोटल 13 बताए हैं, एक कहां गया, एक कहां, अच्छा इंटरनेट में बहुत कंफ्यूजन है, इंटरनेट में कहीं पे आपको 12 मिलेंगे, है ना, आप देखोगे बड़ा अलग अलग है, कहीं कहीं पे 13 मिलेंगे, है टोटल 13। एक पोर्ट आपका 2010 में अधिसूचित किया गया, ये पोर्ट ब्लेयर को, इसको भी बड़ा पोर्ट बना दिया गया है पोर्ट ब्लेयर को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो एक पोर्ट आपका यह भी बना दिया गया भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। एन्नोर पोर्ट को कामाराजा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एन्नोर पोर्ट को कामाराजा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं आपका, एन्नोर पोर्ट को, इसका दूसरा नाम यह भी है। बाकी देखो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट हैं, उन सब पोर्ट को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपसे वैसे कई बार पूछ लेता है, लेकिन मैं अभी यहां पे केवल 13 प्रमुख पोर्ट आपको पढ़ाऊंगा, यही 13 प्रमुख पोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। यदि आपको मैच द फॉलोइंग आएगा, कुछ भी आएगा, तो यही 13 प्रमुख पोर्ट आपको पता रखना है, ठीक है। अब देखो इन पोर्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ और फैक्चुअल डेटा बता देता हूं, बाकी चीजें मैं नेक्स्ट सेशन पे आपको पोर्ट से जुड़ी हुई बता दूंगा, ठीक है। देखो हर टॉपिक को थोड़ा सा यदि डिटेलिंग देनी है तो मुझे लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर सेशन और इसको लेकर के ले लूंगा, उससे काम आपका अच्छा सा हो जाएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो भारत में जो बंदरगाह है, आपको पता है कि सबसे बड़ी विशेषता हमारे यहाँ बंदरगाहों को लेकर के यही है कि हमारे देश में बंदरगाह जो है अर्थव्यवस्था के द्योतक है, इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाली बंदरगाह ही है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह यदि कोई है प्रमुख बंदरगाहों में, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, यह फैक्ट आपको याद रखना है, सबसे पुराना यही है। अच्छा इसका नाम बदल दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट यहां पे नाम रख दिया गया, ठीक है। अच्छा भारत में अभी एक नया बंदरगाह बन रहा है, और यह महाराष्ट्र में बन रहा है, और यह भी एक प्रमुख बंदरगाह के अंतर्गत रहेगा, यह बन रहा है बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में, अभी यह बन के तैयार नहीं हुआ है, बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में, आप इसको भी लिख सकते हैं, बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में आपका सबसे नया बंदरगाह बन रहा है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा गहराई में जो है, तो देखो प्राकृतिक बंदरगाहों की बात करें तो विशाखापट्टनम आपका प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। अच्छा सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे व्यस्त है आपका जेएनपी बंदरगाह, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्यावा सेवा, सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाह है, सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाह है, ठीक है। और ट्रांसशिपमेंट सुविधा वाला सबसे अच्छा बंदरगाह आपका कोची पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट सुविधा वाला सबसे अच्छा बंदरगाह जो है आपका कोची पोर्ट है। और इसके अलावा देखो एक अभी आपका निजी सेक्टर के पास गया है,
प्राइवेट आपका निजी बंदरगाह जो आपका बना है वो मुद्रा पोर्ट है। अभी मुद्रा पोर्ट जो है अडानी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, अडानी ग्रुप के द्वारा उसको बनाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। तो ये कुछ इनके बारे में जानकारी थी इन पोर्ट को लेकर के। पहले तो 13 के 13 पोर्ट अपने दिमाग में बैठा लेना, मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। 13 के 13 पोर्ट याद हो गए ना, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में आप कैसे भी, कलकत्ता है, पारादीप है, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, विशाखापट्टनम है, ठीक है। अच्छा यहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यहां पर देखिए ये वाले मानचित्र में ये देखो यहां पे हल्दिया दिख रहा है, हल्दिया सहायक पोर्ट के तौर पे है, हल्दिया प्रमुख पोर्ट नहीं है इसका, ये जरूर ध्यान रखना। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, 13वां आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हाँ, पोर्ट ब्लेयर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। ये आपका पोर्ट ब्लेयर ये 13वां है आपका, ठीक है। अभी 52 बन रहा है, अभी प्रमुख बंदरगाह और एस्टेब्लिशमेंट किए जा रहे हैं और सरकार इसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार इसके लिए जो है एक जो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है आपका गवर्नमेंट का सागरमाला कार्यक्रम, उसके तहत जो है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, नए बंदरगाहों का विकास करना, क्षमता विस्तार करना, पोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, अंतर्देशीय जल परिवहन को एस्टेब्लिशमेंट करना, बंदरगाहों का औद्योगीकरण करना ताकि वहां पे लॉजिस्टिक वगैरह को लेकर के जो लागतें हैं उनको कम किया जा सके, तटीय सामुदायिक विकास करना, वहां पे स्किल डेवलपमेंट करना, आजीविका निर्माण की गतिविधि एस्टेब्लिशमेंट करना, मत्स्य पालन, मत्स्य विकास पे काम करना और तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग पे काम करना और एक सतत पर्यावरण की तरह बंदरगाहों को ग्रीन बंदरगाह के तौर पर भी एस्टेब्लिशमेंट करना। ये सारे प्रमुख जो है गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं और इससे हम अपने देश के अपने आर्थिक विकास को बूस्ट करना चाहते हैं। देखो बंदरगाह जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बाहरी व्यापार बढ़ेगा और इससे जो है सरकार जो है बड़े स्तर पे एफडीआई भी ला सकती है अपने देश में। अब केंद्र सरकार ने 100% एफडीआई की मंजूरी प्रदान कर दी है कि ऑटोमेटेड रूट से 100% एफडीआई यदि आती है तो सरकार इसको देगी। 2 अधिनियम मैंने आपको बताया बंदरगाह को लेकर के, वो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। और आईएएस वगैरह में भी पूछा जाता है, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1900। तो ये आपको दोनों आपको याद रखना है। यदि आप ये दोनों याद रखेंगे तब आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको रट लेना है, याद कर लेना है सभी बच्चों को। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? बंदरगाह याद हो गए, बंदरगाह रट गए, 13 प्रमुख बंदरगाह नहीं भूलोगे। एन्नौर याद रखिएगा, तूतीकोरिन याद रखिएगा, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ठीक है, कोच्ची, न्यू मंगलुरु, ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद। न्यू मंगलुरु आपका कर्नाटका में है, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अभी इनको लेकर कुछ चीजें और होंगी तो हम देख लेंगे, एक बंदरगाह को लेकर के एक सेशन और कर लेंगे, ठीक है। चलिए।